नवाशहर पुलिस ने बीते 24 घंटिया दौरान बंगा थाना अधीन पेंदे खटखट खुर्द विच इंडियन गैस एजेंसी दे डिलीवरी मैन दी हत्या दा मामला सुलझा लिया है, जिस विच दो दोषियों नु हमले विच वरत्या तेज हथियार लुटी हुई 16,000 दे करीब राशि अते कट्टा विच वरत्या मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। नवाशहर दे आईजी लुधियाना रेंज कोशतुप शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दस्या कि एक कतल लुट दी नीयत नाल कीती गई सी, क्योंकि मौके उते मृतक दा कैश बैग मोबाइल फोन गायब पाया गया। पुलिस ने मुस्तैदी नाल काम करदिया दो दोषी जिन्हां दी पहचान रंजीत कुमार घोगा वासी बंगा अते दूजा दोषी हरिचंद वासी वगैरह वजो हुई है। पुलिस इन्हां कोलों 16,620 रुपए एक मोबाइल फोन अते मोटरसाइकिल बरामद किया है। एक दोषी हरिचंद जो पहला जगह जाखू गैस एजेंसी बंगा विच काम करदा सी, जिथे मृतक विनय कुमार वर्मा काम करदा सी, उसने डिलीवरी बहाने मृतक नूं 3 सिलेंडरां दी डिलीवरी देने दे लई बुलाया सी। उत्थे ही उन्होंने हमला करके विनय कुमार दा कतल कर दिता। पुलिस ने इन्हां नूं काबू करके इन्हां नूं हुण अदालत विच पेश किया जाएगा अते रिमांड दे दौरान होर भी पुछगिछ की जाएगी। आई थिंक ये इसनूं जानदा सी और कुछ इनू आइडिया होगा, इन्होंने टारगेट उसी नूं कीता सी, उस नाल गलबात की, या हो सकता है इन्हों लग्या हो गया विश्वास करता हो सौखा मन भी गया। और जिस तरीके के हालात दसते हैं वो 3 सिलेंडर जिस तरीके इन्होंने मंगे सी वो लैके चल भी पिया सी। इन्होंने वाल नवांशहर पुलिस वालों जो एक नंबर FIR मर्डर रिलेटिड सी, विनय वर्मा 34 साल उम्र का एक करिंदा सी जो कि जाखू गैस एजेंसी तो 3 गैस सिलेंडर अपनी रेड़ी ते लेके चलिया सी, ते खटकड़ खुर्द वाली रोड ते उहदी डेड बॉडी सीरियस सट्टां जिहड़ी उहदे सिर ते मारी गई सी उहदे बाद मिली सी। ये 2 तारीख नूं शाम 5 बजे जिहड़ा इंसीडेंट करीब होया सी उह 5:30 दे करीब पुलिस नूं इतला दित्ती गई सी। उस ते बहुत तत्परता नाल काम करते हुए नवांशहर पुलिस वालों SSP श्री भगीरथ मीना जी, इन्हां दे SP डिटेक्टिव हैं श्री मुकेश, उन्हां दे रहनुमाई विच जिहड़े साडे DSP साहिबान हैं हर्ष प्रीत, इहदे अलावा सुरेंद्र चांद साहब और DSP सब डिवीजन सरवन बल, इन्हां सारिया ने समेत CIA स्टाफ काम किया है। ये CCTV फुटेजिस तो जिहड़ी कोई क्ल्यूज़ मिले सी, कुछ टेक्निकल क्ल्यूज़ वगैरह लेकर के इन्होंने अज सवेरे 2 शख्स इस केस दे विच जिहड़ी वारदात विच इनवॉल्व सी उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया है। इहदे विच रंजीत घोगा जिहड़ा करीब 23 साल उम्र का है और एक जिहड़ा बंदा है हैरी करके उन्हों जिहड़ा है गिरफ़्तार किया गया है। सो ये दोनों हैरी जो है एक सामने HP गैस एजेंसी विच कुछ सालों तो काम कर रहा सी, पहले जिहड़ा है जाखू गैस एजेंसी विच भी काम कर चुकिया सी। इन्हां ने जिहड़ा है एक दातर प्रोक्योर करके और उस दिन शाम नूं विनय वर्मा नूं जिहड़ा है 3 सिलेंडर्स दी डिलीवरी लई बुलाया और उन्हों जा करके बाद विच घेर लिया और उस तों जा करके सट्टा मारी। जिहड़ा हैरी है उहदी रेड़े विच सवार हो गया सी उन्हों राह दिखाउण लई और उसी दौरान जिहड़ा इन्हें सट्टा मारनी शुरू की। सो इन्हां दोनों नूं अज अरेस्ट कर लिया गया। इन्हां कोलों जिहड़ा है वारदात विच वरत्या गया जो हथियार है ये बरामद कर लिया गया है, साथ में जिहड़ा है मोबाइल फोन है जिहड़ा उस वेले जो विनय वर्मा कोल सी वो भी इन्हां कोलों रिकवर हो गया है, समेत 16,620 रुपये जो 27,000 रुपये टोटल उस कोलों इन्हां ने लुटे सी ये बरामद हो गए हैं। इन्हां दा जिहड़ा मकसद सी उन्हों मारन दा वो लूट करन दा सी, क्योंकि ये दोनों नशे करन लगे सी और काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा है सुल्फा वगैरह पीण लगे सी और इस जिहड़े पैसे जो इन्होंने वरते हैं वो भी नशे करन ते ही वरते हैं। सो एक वधिया जिहड़ा है एक जो ट्रेसिंग है डिटेक्शन है वो नवांशहर पुलिस वालों अज की गई है और एक केस बड़ा सेंसेशनल और हीनस क्राइम जिहड़ा होया सी उन्हों ट्रेस किया गया है। मैं जिहड़ा है अगे उम्मीद करदा कि भी इसी तरीके से इन्हां दी कारगुजारी जारी रहेगी और जिहड़ा इहदे विच होर जिहड़ी तफतीश है अक्यूज़ नूं रिमांड ते लेकर के और डिटेल पूछगिछ करके और प्रॉपर